नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में जिले के विकासखंड मंझौली के सभी 84 ग्राम पंचायतों में जन अभियान परिषद के 115 स्वैच्छिक वॉलंटियर्स गांव गांव घर घर पहुंचकर लोगों को कोरोना का टीका लगवाने और जनता कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश दे रहे हैं। जिला समन्वयक जन अभियान परिषद प्रदीप तिवारी ने बताया कि वॉलंटियर्स लोगों के मन में कोरोना के टीके के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के कार्य में लगे हैं। इसके लिए घर घर जाकर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की मदद से वातावरण निर्माण का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान के अंतर्गत लॉकडाउन का पालन कराने, टीकाकरण केंद्र में सहयोगी के रूप में सेवा देना, जागरूकता के लिए गांव में मुनादी करने के साथ ही कोविड-19 बीमारी के लक्षण होने पर उसको आवश्यक मेडिसिन किट और टेस्ट के लिए प्रेरित करने के साथ ही शासन के अमले के साथ वॉलंटियर सहयोग कर रहे हैं। नगर परिषद मंझौली में विकासखंड समन्वयक ब्लॉक मंझौली ट्रप्पी मिश्रा के नेतृत्व में कोरोना वॉलंटियर्स अभियान के मुख्य रूप से अंकिता दुबे, मोहिनी साहू, दीपक कुमार साहू, प्रसन्न राय, अभय पांडे और राजा और अन्य CMCLDPU स्टूडेंट्स मंझौली से कलाकार नारायण सिंह लोधी और उनकी कला मंडली टीम इंद्राना, शरण पटेल, रूपलाल यादव खितौला, सतीश पाठक दिनारी खमरिया, अशोक राजपाल तलाड़, राम सनेही नंदग्राम, प्रमोद काची अभाना, नवीन मिश्रा हिनौटा, सुलभ मिश्र ग्राम खलरी द्वारा शासन की टीम के साथ जुड़कर कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में सहयोग किया जा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तृप्ति मिश्रा, ब्लॉक समन्वयक मंझौली जन अभियान परिषद जिला जबलपुर। देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना से सभी वर्ग परेशान हैं। मझौली में मध्य प्रदेश जन अभियान की योजनाओं के अंतर्गत प्रस्फुटन, नावांकुर और CMCLDPU से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा पंजीकृत कोरोना वॉलंटियर द्वारा शासन के मंशा अनुसार 22 बिंदुओं पर नगर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शासन के द्वारा साथ मिलकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसे मास्क प्रेरक, वैक्सीनेशन में सहयोग, रोको टोको अभियान, होम क्वारंटाइन आदि में प्रेरणा देने का कार्य निरंतर जारी है। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है, मैं इंद्राना मझौली में रहती हूँ। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ लाइनों के माध्यम से कोरोना वायरस से हम कैसे निजात पा सकते हैं, मतलब हम आसानी से कोरोना वायरस के संपर्क में किस तरीके से नहीं आ सकते हैं, वो मैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताना चाह रही हूँ। हाय राम, हाय राम, ये क्या हो रहा है? हाय राम, हाय राम, ये क्या हो रहा है? मुल्ज़िमों से ज्यादा तो कोरोना परेशान हो रहा है। लोग करने लगे हैं मास्क का प्रयोग, अब मास्क का प्रयोग सैनिटाइजर से है दोस्ती, इसलिए लगता है कोरोना की जल्दी ही होने वाली है छुट्टी। मुश्किलें थी काफी, पर रास्ता होता जा रहा है साफ। वैक्सीन के लगाए जाने से कोरोना बीमारी में हो रहा है निजात। कोरोना तुझे है अब रोना, कोरोना तुझे है अब रोना, जो मास्क तुमने हमें लगवाए हैं, जो मास्क तुमने हमें लगवाए हैं, वो तुम्हें आंसू पोंछने के काम आएंगे, तो संभाल कर रखना, क्या समझे? जय श्री राधे। मैं प्रहलाद दुबे, कोरोना वॉलंटियर, सोशल वर्कर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पहरुआ, ब्लॉक मंझौली, जिला जबलपुर, आपसे निवेदन करता हूँ, कोरोना महामारी के दौर में मास्क का प्रयोग करें, दूरियां बनाकर रखें, हाथ साबुन से धोएं एवं वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी प्रकार की अफवाह में ना आए। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, मैं कोरोना वॉलंटियर सलन पटेल, सोशल वर्कर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, GVPS, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, जन सेवा समिति खेतौला पड़वा, ब्लॉक मझौली, आपसे अनुरोध करूंगा कि कोरोना वायरस से बचें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, साबुन सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, अफवाहों में ना आएं। वैक्सीन टीकाकरण जरूरी है और मास्क जरूरी है। धन्यवाद। दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस नियम से चलना अपन लोगों को, और सब लोगों को बताना है, प्रेरित करना है कि मास्क लगाना जरूरी है और डिस्टेंसिंग दूरी
और वैक्सीन भी लगवाना है ऐसा, तो इस विषय में आप गांव में बताते रहिए सब लोगों से, ठीक है। मैं अंकिता दुबे, कोरोना वॉलेंटियर वार्ड नंबर 13 ब्लॉक मझौली से। मैं और मेरी टीम विगत 3 हफ्तों से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं डर के कारण, उनके डर को दूर करके उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए इस भवन तक लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ चल रही है, बढ़ती जा रही है, वहीं चले जाओ, वहाँ पर वैक्सीन के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है, जिन जिन रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है।